विद्युत रसायन का यानी तीसरा चैप्टर जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सेल विभव यानी सेल पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, सेल विभव क्या है कोई पूछेगा ना भाई, सेल भी आपने क्लास किया, सेल विभव क्या है? आप कहेगा सेल विभव देखिए आपका परिभाषा लिखा हुआ मैथमेटिकल टर्म। उससे पहले एक चीज आप जान लीजिए बेसिक बात कि RRCB बैंक से हम बोले थे लोन लेने, कौन बैंक से लोन लेना है? ऐसा नहीं कि वहाँ अकाउंट खोला लिए, ये खोला लिए, उसमें मोदी जी पैसा भेजेंगे, ऐसा नहीं। अब मेरा बैंक चलेगा, मेरा बैंक का मतलब RRCB बैंक से लोन लीजिए। RRCB बैंक से क्या लीजिए? लोन मतलब हुआ कि राइट साइड, आर का मतलब राइट साइड, राइट साइड डिडक्शन होता है, डिडक्शन के तौर पर होता है और के तौर पॉजिटिव होता है, ये जनरली सेल के लिए बोल रहा हूँ। एल का मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और एनोड निगेटिव होता है। ये चीज हम आपको बता दूंगे पहले। चलिए अब क्या है कि ये देखिए सेल विभव को हम लोग इन ई नोट्स ई सेल से सूचित किया जाता है, ये हुआ सेल विभव। तो सेल विभव है कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। मतलब ये कि कोई पूछे गया कैथोड के विभव और एनोड के विभव माइनस का मतलब अंतर, तो कैथोड के विभव और एनोड के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल से सूचित किया जाता है और ई सेल बराबर फॉर्मूला लिख दीजिएगा कैथोड माइनस एनोड। मतलब याद रखिए फिर से कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव कर दीजिएगा तो सेल विभव आ जाएगा। और यहाँ देखिए कैथोड, कैथोड होता है पॉजिटिव और कैथोड राइट साइड होता है, राइट माइनस लेफ्ट लिख सकते हैं। अब क्या है कि जैसे गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया आप लोग जानते हैं ना, अभी मैंने बताया है ना भाई गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया क्या है, ZnSO8 प्लस CO2 प्लस एक्वास गिब्स बोलिए बोलिए ZN2 प्लस एक्वास प्लस CuSO8 ये था। अब यहां से क्या कीजिए, आप सेल निरूपण कर लीजिए। सेल निरूपण होता है यहां पर जीरो चार्ज है, यहां पर जीरो चार्ज है, यहां पर जीरो से दो प्लस पर चार्ज बढ़ा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड रिएक्शन है, यहाँ पर चार्ज घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ होता है ये कैथोड पर, ये कैथोड रिएक्शन हो गया। अब है क्या कि सेल निरूपण तो इस तरह से हम लोग करते थे, इधर एनोड रिएक्शन लिखेंगे, इधर कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। चलिए कर देते हैं बीच में लवण से तू आ भैया एनोड वाला को ये है अगर ये जोर से यहाँ रखेंगे कैथोड वाला यहाँ रखेंगे, यानी ये GnN जो है इससे आपका Zn2 प्लस हो रहा है और यहाँ CU2 प्लस से आपका CuSO8 हो रहा है, यानी यही ना है, ये एनोड रिएक्शन वाला है और ये कैथोड रिएक्शन वाला है। अब हमको ई सेल निकालना है, देखिए NCERT में 3.1 में NCERT का जो देखिए सारणी दिया गया है, उसे एग्जाम में आपको इसका दिया जाएगा। देखिए क्या ई कैथोड, कैथोड ये ना है CU2 प्लस से CuSO8 माइनस ZnSO8 से ZN2 प्लस। अब देखिए क्या इसका वैल्यू दिया रहता है, इसका वैल्यू हम जानते हैं 0.74 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है माइनस इसका वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट होता है और इसका वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट होता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए 0.34 वोल्ट प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, इसका मतलब 1.1 वोल्ट जो है आंसर आएगा। मतलब गैल्वेनिक सेल का जो सेल विभव होता है 1.1 वोल्ट होता है, आप याद रखिएगा। कैसे निकाले फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले आप सेल ये फॉर्मूला याद रखिएगा कैथोड में से एनोड को घटा देना है। अब देखिए कैथोड में से एनोड कोई रिएक्शन दिया जाएगा, दिया गया इसमें से आपको कहाँ चार्ज बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, तो चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का एनोड पर ठीक, चार्ज कहाँ घट रहा है तो चार्ज का घटना रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है। अब करना क्या है सेल निरूपण, ये हम क्या कर दिए सेल निरूपण कर दिए। अब सेल निरूपण किए ना भाई, तो सेल निरूपण में बीच में लवण से तू इधर एनोड इधर कैथोड कर दिए। अब देखिए एनोड वाला रिएक्शन इससे चुन के रख दिए, इधर कैथोड वाला चुन के रख दिए। अब है कि एनोड वाला ये था इसका वैल्यू ये कैथोड ये एनोड इसका वैल्यू इतना और इसका वैल्यू इतना दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में और आप इसको कर दीजिए, इसमें कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा आपको भी फायदा है मुझे भी फायदा है। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ सके उसको सूचना दीजिए आप, क्योंकि सारे इनका नंबर है नहीं। और दूसरी बात यह है कि एडमिशन जो है 45 स्टूडेंट के से 50 स्टूडेंट का हुआ था, लेकिन स्टूडेंट था 500 में से 85 को हुआ था, 450 स्टूडेंट कहाँ है उसका नंबर भी मुझे नहीं है, इसलिए अगर जानकारी हो आपको आपके फ्रेंड है या कोई भी है तो उसको जरूर से जरूर बोलिए। ऑनलाइन क्लास हो रहा है सर का, ऑनलाइन वीडियो डालते हैं आप केमिस्ट्री पॉइंट प्रदीप सर पे सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए।